मगध की संस्कृति को खुद में समेटे मंदिरों और पर्यटन केंद्रों से भरा कृषि के लिए सबसे ज्यादा मशहूर ये शहर है जो औरंगाबाद कहलाता है। आज औरंगाबाद की पहचान कई मायनों में दूसरी जगहों से बहुत अलग है। इस जगह ने बहुत कुछ बिहार को दिया है, बहुत कुछ ऐसा जो गौरवान्वित करने वाला है। और इसी औरंगाबाद के एक शख्स की कहानी है हमारे और आपके बीच। जी हाँ, ऐसी ही कुछ दास्तां है उस शख्स की जिसने अपने आप को कभी किसी मुसीबत के आगे झुकने नहीं दिया, जिसने खुद को कभी हालात के आगे बिकने नहीं दिया, जो गरीबी और दुखों से लड़कर आज गरीबों का मसीहा है। उस शख्स का नाम है उपेंद्र प्रसाद। बिहार की राजनीति में भले ही ये शख्स अभी उतना पहचाना नहीं जा रहा हो, मगर इस शख्स ने जो जगह लोगों के दिलों में बनाई है वो कोई और इतनी जल्दी नहीं बना सकता। गया के इमामगंज के रोहवे गांव में 5 जनवरी 1964 को जन्मे उपेंद्र प्रसाद का जीवन आम लोगों जैसा ही रहा। बचपन से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर रहने वाले उपेंद्र ने देखते ही देखते माध्यमिक और हाई स्कूल की परीक्षा पास की। मेहनत क्या चीज होती है, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उपेंद्र जी ने पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी कर ली। पर आपको इस जीवनी के बीच सबसे जरूरी बात भी बताते चलें, और वो बात है समाज के लोगों की सेवा से जुड़ी। पढ़ाई, परिवार और संघर्ष के बीच कैसे लोगों से जुड़कर लोगों की मदद की जाए, इसकी प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए। ऐसे कई मौके उपेंद्र जी की जिंदगी में आए जब लोग उनके पास मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने हर किसी को सुना और जितना हो सका उनकी मदद की। कभी किसी को मायूस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गरीबी और कमियों में रहकर जिंदगी जी थी, इसलिए गरीबी क्या होती है वो अच्छी तरह से जानते हैं। उपेंद्र जी के अंदर समाज को जोड़कर रखने की बात हमेशा से दिल में रही। औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का मैं संयुक्त उम्मीदवार के रूप में टेलीफोन चुनाव चिन्ह लेकर आया हूँ। आज़ादी से लेकर आज तक जो डॉक्टर लोहिया का सपना था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर लोहिया का सपना था कि भारतीय राजनीति जो महलों में कैद है उसको झोपड़ी में लाना है। 1952 के बाद पहली ऐसी अवसर आई है जो कि डॉक्टर लोहिया के सपना पूरा करने का अवसर मिला है। समाज से जुड़ने की यही प्रेरणा उनके मन में राजनीति के बीच बो गई। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में राजनीति से जुड़ी खूबियां आती चली गईं और वो एक वक्त में राजनीति में अचानक कदम रख गए। और आप देखिए कि अपनी जिंदगी के 4 दशक से ज्यादा पूरे करने वाले उपेंद्र जी आज लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उपेंद्र जी का एक ही कहावत है, मतलब कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। यही नारा के साथ तमाम ये इलेक्शन कैंपेन में ये चल रहे हैं। इनको जन सैलाब इनके पीछे उमड़ रहा है। हर घर का एक ही नारा है, उपेंद्र हमारा है, हमारा है। जिन लोगों की मदद उपेंद्र जी ने की उनके दिलों में उपेंद्र जी को लेकर कई कहानियां कैद हैं। उपेंद्र प्रसाद जी एक पिछड़ा परिवार के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, कर्मठी हैं और सादगी इनकी सबसे बड़ी पहचान है। और चारों तरफ जो लोगों के अंदर जोश देखने को मिल रहा है, उत्साह है, युवाओं के अंदर जो जुनून है, यह साबित कर रहा है कि इस बार के चुनाव में औरंगाबाद संसदीय सीट से श्री उपेंद्र प्रसाद जीत दर्ज करेंगे। आज राजनीति में उपेंद्र प्रसाद जी पूरी तरह से सक्रिय हैं। वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जुड़े हैं, राजनीति जरूर कर रहे हैं लेकिन आम लोगों के बीच रहकर। उपेंद्र प्रसाद जी को हम लोग चाहते हैं, हम इन्हीं को जिताएंगे, इन्हीं से भलाई पाएंगे। नया चेहरा उपेंद्र जी का देखना है, इलाज नहीं होता है यहाँ, नया चेहरा देखना चाहते हैं उपेंद्र भाई। सड़क नाली गली और बहुत समस्या है, तो हम लोग वोट देंगे इस बार, महागठबंधन करेंगे। उपेंद्र मेहता, हम लोग बदलाव चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं, इस बार नया चेहरा चाहते हैं उपेंद्र प्रसाद मेहता को।
आजकल बहुत कम ऐसे नेता हैं जो पढ़े लिखे हैं, और उपेंद्र जी इस लिस्ट में भी शामिल हैं। और यही वो बातें हैं जो उपेंद्र जी को दूसरों से अलग करती हैं। कुछ लोग इस पृष्ठभूमि में आकर अपने फायदे के लिए जमीन तलाशना शुरू कर देते हैं, लेकिन उपेंद्र जी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा है, और यही वो आखिरी दम तक करते रहेंगे। टेलीफोन छाप जिंदाबाद, उपेंद्र जी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।